पश्चिम बंगाल के शिक्षा घोटाले मामले में अर्पिता चैटर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मामले की जांच कर रही ईडी ने बुधवार को एक बार फिर उनके फ्लैट में छापा मारा, जिसमें बड़ा कैश मिला है। आपको बता दें कि इस छापेमारी में अब तक 20 करोड़ रुपए की गिनती हो चुकी है। वही जांच एजेंसी की निगरानी में अभी भी कैश की गिनती जारी है। वही नोट गिनने के लिए 3 मशीनें भी लगाई गई है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में ज्वेलरी भी मिली है। आपको बता दें कि अर्पिता की अलमारी से 3 किलो सोना जब्त किया गया है। इसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए के आसपास है। कुल मिलाकर अब तक 41 करोड़ कैश और 2.5 करोड़ की ज्वेलरी जब्त की जा चुकी है। आपको बता दें कि 23 जुलाई को ईडी मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर छापा मारा था। वहीं अर्पिता के घर से 21 करोड़ कैश और 1 करोड़ की ज्वेलरी मिली थी। आपको बता दें कि इसके अलावा एजेंसी को कई सारे दस्तावेज भी मिले थे। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। कुल मिलाकर अब तक अर्पिता के घर से 41 करोड़ कैश रिकवर किया जा चुका है। कैश की गिनती अभी भी जारी है। इसके अलावा भारी संख्या में ज्वेलरी भी मिली है। जांच एजेंसी अभी भी इसका आकलन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।